मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जमैका में पुरतायुश छुट्टियां, कैनेडियन वजीर आजम तनकीद की जद में। कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि ट्रूडो की हरकत से कैनेडियन गुस्से में है। ट्रूडो की छुट्टियों पर $1,60,000 खर्च हुए। कनाडा की अफराते जर की शरह अगस्त 2021 के बाद से कम तरीन सतह पर आ गई। शुमारियात कनाडा के मुताबिक फरवरी में अफराते जर की शरह 5.2% से कम हो गई। बैंक ऑफ कनाडा अफराते जर की शरह 2% तक लाने के लिए पुरुमीद है। सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान आर्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन के दफ्तर बराए इंसानी इमदाद के डायरेक्टर को खरतूम में गोली मार दी गई। सूडान में सिफारतकारों पर हमलों की आलमी सतह पर शदीद मुज़म्मत। अमरीकी सदर बाइडन और अहलिया की आमदन और टैक्स की तफसीलात जारी। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया ने 2022 में तकरीबन $1,70,000 टैक्स अदा किया। दोनों ने गुज़िश्ता साल $5,79,514 कमाए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. मंगल की शाम को आखिरी तारीख से पहले वफाकी हुकूमत और पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के दरमियान मुहादे तक पहुंचने में नाकामी के बाद 1,55,000 से ज्यादा वफाकी सरकारी मुलाजमीन बुध को हड़ताल पर चले गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में ज़रूरी समझे जाने वाले हज़ारों सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। मंगल की शाम को आखिरी तारीख से पहले वफाकी हुकूमत और पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के दरमियान मुहादे तक पहुंचने में नाकामी के बाद 1,55,000 से ज़ायद वफाकी सरकारी मुलाजमीन बुध को हड़ताल पर चले गए। यह ऐलान सरकारी अफरादी क़ुव्वत के एक अहम हिस्से की नुमाइंदगी करने वाले दो सौदेबाजी करने वाले ग्रुपों के गुज़िश्ता हफ्ते कानूनी हड़ताल की पोजीशन में दाखिल होने के बाद सामने आया है। PSAC के कौमी सदर क्रिस एलवर्ड ने मंगल की शाम एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हड़ताल की कार्रवाई बुध की सुबह 12 बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हम अभी भी एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हम मेज़ पर हैं क्योंकि हम अब भी पुरुमीद हैं और हमारा मकसद अभी भी एक आर्जी मुहायदे तक पहुंचना है। हमारे अराकीन एक अच्छे महजब मुनसिफाना इज्तिमाई मुहायदे के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। एलवर्ड ने कहा कि वो इस बात की तफसीलात जाहिर नहीं करेंगे कि सौदेबाजी की मेज़ पर क्या बातचीत हो रही है, लेकिन कहा कि यूनियन इस वक्त तक हड़ताल पर रहेगी जब तक उसके अहम मसाइल को
हल नहीं किया जाता। एक न्यूज रिलीज में कनाडा सेक्रेटेरिएट के ट्रेजरी बोर्ड ने कहा कि उसने मुहायदे तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि वो ऐसे मुहायदों की तलाश कर रही है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना हो और टैक्स दहिंदगान के लिए माकूल हो। पीर को मजीद कहा कि उसकी मेज पर एक अच्छी पेशकश है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को जमैका में एक पुरतायुश इलाके में छुट्टियां गुजारने पर ओपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सामना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को जमैका में एक पुरतायुश इलाके में छुट्टियां गुजारने पर ओपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सामना है। वजीर आजम के पुरतायुश प्रॉस्पेक्ट स्टेट के दौरे पर टैक्स दहिंदगान के $1,60,000 खर्च हुए। हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं ने मंगल को वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के फैसले की कमी को तनकीद का निशाना बनाया जब यह इंकशाफ हुआ कि उन्होंने पैरी एलियट ट्रूडो फाउंडेशन के एक अमीर अतिया दहिंदा के जमैका के घर में क्रिसमस की छुट्टियां गुजारी। रेडियो कनाडा ने इत्तला दी कि ट्रूडो ने प्रॉस्पेक्ट में छुट्टियां गुजारी जो कि ग्रीन फैमिली की मिल्कियत में समंदर के किनारे विला के साथ एक पुरतायुश इस्टेट है। अलेक्जेंडर और एंड्रयू ग्रीन ने अपनी वालिदा की याद में स्कॉलरशिप कायम करने के लिए 2021 में फाउंडेशन को एक बड़ा अतिया दिया। जमैका के सफर पर टैक्स दहिंदगान के तकरीबन $1,60,000 लागत आती है क्योंकि सफर से मुतालिक सिक्योरिटी और अमले के अखराजात। CBC के फ्रांसीसी जबान के बाजू ने कहा कि कुछ अमले को एक करीबी हमगीर रिजॉर्ट में भी रखा गया था जिस पर वफाकी खजाने को नुकसान पहुंचा। ट्रूडो की कनाडा की अखलाकियात कमिश्नर ने 2016 में बहामास में आगा खान के निजी जजीरे पर छुट्टियों पर सरजनिश की थी। एक और सफर जिसने टैक्स दहिंदगान को $10,000 के अखराजात से मुतासिर किया जो वजीर आजम के बैरून मुल्क सफर पर आते हैं। कदामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर ने कहा कि ट्रूडो का छुट्टियों के लिए जगह का इंतखाब जाहिर करता है कि वो रबते से बाहर हैं और अशराफिया के हल्कों में चले जाते हैं जहाँ करोड़पति अपने दोस्तों के साथ महंगी छुट्टियाँ गुजारते हैं। ट्रूडो की इस हरकत से कैनेडियन गुस्से में हैं। लिबरल गवर्नमेंट हाउस के रहनुमा मार्क हॉलैंड ने कहा कि उठने वाले अखराजात मुनासिब हैं क्योंकि ट्रूडो को मुनासिब तौर पर तहफ्फुज़ फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्स दहिंदगान को बिल किए जाने वाले अखराजात की अक्सरियत सिक्योरिटी से मुतालिक है। ट्रूडो ने खुद इस सफर का दिफा करते हुए कहा कि वो 50 साल से जायद अरसे से ग्रीन्स के खानदानी दोस्त हैं। ट्रूडो का कहना था कि कायदे हिजब इख्तलाफ दोस्ती के तस्वुर के साथ जद्दोजहद करते हैं। जब किसी का कोई दोस्त होता है तो आप अक्सर उनसे मिलने जाते हैं। हमने इखलाकियात कमिश्नर के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया कि तमाम उसूलों पर अमल किया जाए। कनाडा की अफराते जर की शरह अगस्त 2021 के बाद से कम तरीन सतह पर आ गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की अफराते जर की शरह अगस्त 2021 के बाद से कम तरीन सतह पर आ गई है। कनाडा की सालाना अफराते जर की शरह मार्च में 4.3% तक गिर गए क्योंकि रहन के सूद के जायद अखराजात तवनाई की कम कीमतों से पूरे हो गए थे। शुमारियात कनाडा के मुताबिक फरवरी में अफराते जर की शरह 5.2% से कम हो गई है जो नीचे की तरफ जा रही है जिसकी तवक्को है कि साल के वस्त तक इसे 3% तक कम कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता मौसम गर्मा से महंगाई में मुसलसल सुस्त रवि ने अब सालाना शरह को अगस्त 2021 के बाद से कम तरीन सतह पर लाया है। ये सुस्त रवि उस वक्त आती है जब आलमी कीमतों में दबाव में आसानी होती है और बुलंद शरह सूद का मईशत पर असर पड़ता है। ग्रोसरी की कीमतें भी अब भी तेजी से बढ़ रही हैं लेकिन सुस्त रफ्तारी से। ग्रोसरी की कीमतें मार्च में साल ब साल की बुनियाद पर 9.7% जायद थी जो फरवरी में 10.6% से कम थी। शुमारियात कनाडा ने कहा कि सस्ते फलों और सब्जियों की कम कीमतों की वजह से हुई। कनाडा में इस साल अफराते जर की शरह में कमी का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है लेकिन बैंक ऑफ कनाडा ने कहा कि वो इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक कि अफराते जर अपने 2% हदफ पर वापस न आ जाए। ताज़ा तरीन पेशन गोइयों के मुताबिक बैंक ऑफ कनाडा 2024 के आखिर तक अफराते जर अपने 2% हदफ पर वापस आने की तवक्को कर रहा है। अक्वामे मुतहदा समेत आलमी सतह पर सूडान में जारी कशीदगी के दौरान सिफारतकारों पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुतहदा समेत आलमी सतह पर सूडान में जारी कशीदगी के दौरान सफारतकारों पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सूडान में यूरोपीय यूनियन के दफ्तर बराए इंसानी इमदाद के डायरेक्टर वैन फ्रांसन को दारुल हुकूमत खरतूम में गोली मार दी गई। सूडान में यूरोपीय यूनियन के सफीर पर उनकी रिहायशगाह पर हमला किया गया और उन्हें लूट लिया गया। ज़राए ने निशानदेही की कि पीर को अमरीकी सिफारत खाने के काफिले पर हमला किया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत खरतूम में गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन के दफ्तर बराए इंसानी इमदाद के डायरेक्टर वैम फ्रांसन के झड़पों में जख्मी होने के बाद
اقوام متحدہ میں امریکی مندوب لینڈر گرین فیلڈ نے امریکی سفارتی قافلے پر حملے کی مذمت کی ہے. انہوں نے سوڈان میں سفارتکاروں، امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے کو نشانہ بنانے والی کاروائیوں کو مسترد کرتے ہوئے فریقین سے امدادی مشنز کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. گرین فیلڈ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ ہم سوڈان میں امریکی سفارتی قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. سفارتکاروں اور امدادی کارکنوں پر ہونے والے تمام حملوں بشمول خرطوم اور سوڈان کے دیگر حصوں میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا. جنگ بندی کا دورانیہ 24 گھنٹے ہوگا. سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز دونوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، مگر خرطوم میں وقفے سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. دونوں متحرک فورسز کی جانب سے ایک دوسرے پر جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق کے مطابق جھڑپوں کے دوران ہلاک شہریوں کی تعداد 185 اور زخمیوں کی تعداد 1800 تک پہنچ گئی ہے. دارالحکومت خرطوم کے بیشتر علاقوں میں بلیک آؤٹ ہے. بڑے اسپتالوں میں ادویات اور طبی خدمات کی فراہمی معطل ہو چکی ہے. یہ خون ریز جھڑپیں گزشتہ ہفتے کے آخر میں شروع ہوئیں جب ریپڈ فورسز نے تقریباً 100 گاڑیوں کو شمالی ریاست میں مروی اڈے کی طرف روانہ کیا. ساتھ ہی خرطوم میں فوج کے مراکز پر کچھ گاڑیوں سے حملہ کیا گیا. اس کے بعد دونوں فورسز کے درمیان ملک گیر لڑائی کا آغاز ہو گیا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن سمیت دیگر اعلی شخصیات کی آمدن اور ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن سمیت دیگر اعلی شخصیات کی آمدن اور ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں. رپورٹ سے مطابق اس رقم میں جو بائیڈن کی بطور صدارتی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ شامل تھا، جو کہ سالانہ $400,000 بنتی ہے، جبکہ ان کی اہلیہ جل بائیڈن نے $82,335 بطور تنخواہ کمائے. وہ ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج میں پڑھاتی ہیں. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اپنے 25 سال کے ٹیکس کو شوارے ظاہر کر دیے. امریکی صدر اور ان کی اہلیہ نے 2022 میں تقریباً $170,000 ٹیکس ادا کیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن کے ٹیکس گوشواروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے گزشتہ سال $579,514 کمائے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس اور ان کے شوہر نے ٹیکس گوشواروں میں مجموعی آمدنی $456,918 ظاہر کی ہے. امریکی نائب صدر اور ان کے شوہر نے $93,570 فیڈرل انکم ٹیکس اور $17,612 انکم ٹیکس بھی دیا. ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی. Thank you.